मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, जितने भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम्स हैं, सीजीएस एफकैट की क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या बच्चे को दोनों एग्जाम्स को तैयार करना चाहिए एक साथ? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है, सीडीएस और एफकैट को ध्यान से समझने के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के उठानी है। उनको ऐसा लगता है कि एफकैट ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू सीडीएस। एफकैट सीडीएस की स्ट्रेटेजी अलग मत लगा के चलो भाई, सेम सेम चीजें हैं। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है पल्लव मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, जितने भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम्स हैं। तो अभी इस सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली सीडीएस एफकैट के बारे में पूछेंगे कि पल्लव ने उनको कितनी बार क्वालिफाई किया और कैसे उनको मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई करने में वो सक्सेसफुल रहे। सो वेलकम पल्लव, और बताइए क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक? थैंक यू सर, सब सही चल रहा है सर। अच्छा वेटिंग अच्छा फॉर राइट। सो पल्लव, मुझे बताइए सीजीएस एफकैट की क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या बच्चे को दोनों एग्जाम्स को तैयार करना चाहिए एक साथ, या फिर पहले सीडीएस में वो हाथ पैर मारे या एफकैट में हाथ पैर मारे, या फिर सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करे चाहे दूसरा एग्जाम निकाल पाए ना ना पाए, लेकिन सिर्फ एक पे फोकस करे। सो व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट? ये सर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे आपको एक चीज समझना है किसी भी कैंडिडेट को कि द एग्जाम इज बोथ एग्जाम्स आर वेरी मच लाइक क्वाइट डिफरेंस है उसमें, थोड़ा सा बेसिक लाइन आता है वहां पे। जैसे एफकैट में आपको रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू सीडीएस। तो सबसे पहले एक चीज जो मैंने पर्सनली करी थी, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स तो रेडिली अवेलेबल रहते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो, बट एफकैट के पेपर्स एज सच मिलते नहीं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। और मैंने कुछ लाइक फ्यू अटेम्प्ट्स बैक, तब ईकेटी भी हुआ करता था, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, अभी तो ईकेटी हट गया, सो दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट एंड सम कैंडिडेट फील कि नहीं अच्छा नहीं है, सो उस चीज का एक चीज है। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज ये है सीडीएस और एफकेट को ध्यान से समझने के लिए, जैसे मैंने किया था कि उस आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के उठानी है। अब आपको एक चीज समझना है, सीडीएस इज सम काइंड ऑफ एग्जाम विच इज क्वाइट हायर लेवल देन एफकेट, मतलब उसके एग्जाम की लेवल थोड़ी ज्यादा हार्ड है। अब कुछ कुछ कैंडिडेट्स मैंने पर्सनली जिनसे बात करी, कुछ कुछ दोस्त भी थे, उनको ऐसा लगता है कि एफकैट ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू सीडीएस। कुछ कुछ के लिए हो सकता है, बट जनरल जो पर्सन होते हैं उनको सीडीएस टफ लगता है, ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसमें ज्यादा जनरल डीप में पूछा जाता है जो जीएस का पेपर होता है, एंड मैथ्स भी थोड़ा सा लेंदी और बल्कि होता है उसमें। तो मैंने सीडीएस दो बार क्रैक किया, एक बार ओटीए के लिए और एक बार रिसेंटली अभी आईएनए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए। सो दोनों बार मैं पहले सीडीएस का थोड़ा कवर करता हूँ और एफकैट की थोड़ी देर बाद। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जब दोनों एक अगर आपके पास दोनों एंट्रीज अवेलेबल है, जैसे अगर आपकी एज परमिट कर रही है, तो अलग अलग तैयारी करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। सो प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस ओवरलैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज आप रीजनिंग की अलग से तैयारी करना है तो कर सकते हो, वरना कोई उसमें वो नहीं बनता पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है कि सीडीएस की तो करनी करनी है, उससे एफकेट की भी तैयारी हो जाएगी। सो मैंने क्या करा था, पर्टिकुलरली टेकिंग द पार्ट ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का मैंने एक चीज ये क्या करा था, कम्युनिकेशंस पे मैंने काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो बेसिक बातचीत चल रही है, तो उससे इंग्लिश की जो बेसिक एक्टिव स्पीच, एक्टिव पैसिव वाली चीज होती है, आइडम फ्रेजेस, वो अच्छे से कवर हो जाती है। देन यू ऑल्सो कवर दोज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फ्रॉम एडिटोरियल्स, उससे आप मतलब स्पीड ऑफ रीडिंग बढ़ जाती है, और आपको पता है रिटर्न में टाइम लगता है, लाइक आप जब सीडीएस की एग्जाम में जाते हैं 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको रीडिंग स्पीड अच्छी बनानी है, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे कॉम्प्रीहेंशन को, तो आप कॉम्प्रीहेंड अच्छे से नहीं कर पाओगे। आजकल के इंग्लिश पेपर की लेवल भी बढ़ जा रही है, कभी कभार वो कैट लेवल की भी आ जाती है, तो कैट लेवल को समझने के लिए तो आप समझ जाओ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ा करो, जिससे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से हो। फिर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरी थोड़ी सी वीक थी उस टाइम पे, तो मैंने कवर करने के लिए क्या किया था, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज देखे थे और सिंपल गूगल सर्च किया था, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड चीज हो, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच सीडीएस करके, तो बहुत सारे कुछ ना कुछ वेबसाइट्स आ गए, तो कोई भी रैंडम वेबसाइट से उठा के कोई भी चीज उठा के नोट्स बनाने लग गए, और उसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए थे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स प्रोनाउंस में कभी कभी डाउट्स आ जाते थे, मतलब बेसिक डाउट्स भी रह जाते थे मेरे, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये किया। और इसके साथ साथ इंग्लिश की तो जनरली ये अप्रोच रही, और हमेशा याद रखना इंग्लिश पेपर स्कोरिंग रहता है सीडीएस के पेपर में। किसी को अगर सीडीएस ओटीए क्लियर करना है
तो इंग्लिश इज ऑब्वियस, बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं, 100 में से कोई 80, 90, 95 भी लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि जीएस में आप फोड़ दोगे, जीएस थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। और जनरली ऐसा होता है ना, काफी सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट आते हैं एग्जाम लिखने के लिए ओनली टू गेट देयर सेल्फ एक्लेमेटाइज और कट यस ऑफ हाई करके चले जाते हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर देयर एसएसबी। मैंने देखा है ऐसे कैंडिडेट्स को। सो इसलिए इंग्लिश को तगड़ा करना ही करना है, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा, जो लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उन्हें पता होगा एक सीसैट करके एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसको लाइक हेल्प करने के लिए, लाइक उसकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दे जस्ट राइट दैट एग्जाम और इसके से कट ऑफ बढ़ता रहता है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यदि आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या फिर फौज में ऑफिसर बनने की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं भारत की बेस्ट फैकल्टी के साथ हमारे लाइव बैचेस के अंदर। लाइव बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल, और वहां पे डिफेंस सेक्शन की कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप हमारे डायरेक्टली सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ जैसे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए, कोड लगा लीजिएगा Y588, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपसे मिलेंगे हम लोग लाइव बैचेस में। थैंक यू। सम अप कर देते हैं कि इंग्लिश का, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, तो बेसिक जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है ठीक, तो आप यूट्यूब पे या किसी बुक्स में या जहां पर भी आपको ठीक है वहां से आप देख लीजिए। नंबर 2 पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एज मच एज यू कैन। नंबर 3 इज एफकैट सीडीएस की स्ट्रैटेजी अलग मत लगा के चलो भाई, सेम सेम चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना है या लेवल नीचे करना है। रीजनिंग एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसको आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, वो रीजनिंग जो आपको मैं बताऊं तो 1-2 महीने के अंदर डेली प्रैक्टिस करके भी पूरी प्रॉपर कर सकते हैं। राइट राइट पलव, यस ओके सर, यस सर, हाँ जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, फॉर फॉर एग्जाम्पल यस। मैथ्स की स्ट्रैटेजी या रीजनिंग के। ओके पहले सर हम जीएस कवर कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स ओके सबके लिए होता नहीं है, राइट और राइट कभी राइट कभार ऐसे मतलब क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस, जो मेजोरिटी लोग एग्जाम सीडीएस ओटीए के लिए लिखते हैं, प्रिडोमिनेटली फीमेल्स, क्योंकि उनके लिए एएफए आई में आईएनए तो होता नहीं है। सो उनके लिए एक चीज ये कहूंगा कि जीएस के लिए यार देखो, अभी आप ऑलरेडी ग्रेजुएट लेवल में आ चुके हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो, सो बहुत स्टैंडर्ड बड़े बड़े बुक्स हैं जो कि है ना बाकी एग्जाम्स के लिए भी चलते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए आई यूज टू रिफर लक्ष्मी का, राइट देयर इज अ बुक विच इज रेफर्ड बाय सिविल सर्विस एस्पिरेंट, बट ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते, बाकी एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते, वो सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स भी पढ़ते हैं, डिफेंस वाले एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं, आजकल एनडीए वाले भी पढ़ने लग गए। सो आप इसको एस्केप मत करो, इट इज अ वेरी गुड बुक, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देन आप इकोनॉमिक्स के लिए बजट की वो समरी वीडियोस देख लो, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। देन आप हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ो, 11th 12th की पूरी पूरी कंप्लीट करो, है ना, चाहे वो आप न्यू एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, तो इसको अच्छे से कवर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझना है आप एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हो कि इंग्लिश से ही आपका जीएस गैट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक अलग से पेपर बन रहा है, तो इस अलग से पेपर के लिए अलग से तैयारी भी बहुत अलग से होती है। सो हिस्ट्री के लिए ऐसे करना, जियोग्राफी के लिए अगेन 11th 12th की पूरी 4 जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक आती है, एक फिजिकल जियोग्राफी, वो सब कुछ बुक्स के नाम है, तो 4 स्टैंडर्ड बुक है, सारे कवर कर लो और मल्टीपल रिवाइज करो। अगेन याद रखना, रिविजन के बिना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना सारा जब आप पढ़ लेते हो, बोलते हैं ना मुगल एम्पायर क्यों कोलैप्स हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपैंड करते गया करते गया, उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाया। तो वैसे ही आप अपने स्ट्रेटेजी में ये गलती मत करो, एक्सपैंड कितना ही कर लो, कंसोलिडेट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे तो सब मतलब धीरे 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 जो बोलते हैं ना बाहर का चीज एस्केप होते रहता है, तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखना। देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए अगर आप कोई मंथली मैगजीन उठा सकते हो, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा डिफेंस के ही उठाओ आप, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लाइक एरियाज हैं जहाँ पे लाइक कोई भी आप इंस्टीट्यूट को उठा लो, है ना, या कोई भी आप यूट्यूब के से वीडियोस देख लो, मतलब समरी वीडियोस बहुत अच्छे से चलते हैं, वहां से आप जब कवर करते हो साइंस एंड टेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइक काम आएगा आपके। साथ साथ अगर आप साइंस एंड टेक कवर करना है, स्टैंडर्ड रिसोर्स है, आप पीआईबी जाओ, पीआईबी इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कवर होगा। अदरवाइज एक पीआरएस करके भी है, वहां से भी आपके कवर हो जाएंगे। जैसे मैं पीआईबी में आप जब जाओगे ना, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड वो आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैसे करके वहां पे जाके आप देखोगे, आप पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या नए नए पब्लिश हुए हैं, क्या क्या चीजों पे। और
एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप प्रेडिक्ट भी कर पाओगे कि हाँ क्या आने वाला है। जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रेडिक्ट कर लिए थे अपने टाइम पे, तो वो आए भी इवेंचुअली, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनता है। और हमेशा याद रखना, एक 15 दिन पहले की न्यूज नहीं है, मतलब 15 दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 15 दिन के बाद एग्जाम है, 15 डेज, तो 15 डेज पहले के से ही पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब पढ़ना एज इन, मतलब मतलब 15 डेज वो छोड़ जो दीजिए, बीच के हाँ 15 दिन। 15 डेज हाँ लीव जी कर दो कि हाँ 15 दिन का करंट अफेयर मत पढ़िए, यस, राइट, उससे पहले का कंप्लीट कर लो। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तब उस टाइम पे रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत कुछ यस रिवाइज कर रहे होते हो, इंग्लिश का, जीएस का, और अगर आप लोग एफ ए आई एम आईने के लिए, तो मैथ्स का भी आप कर रहे होते हो, क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, वरना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मैथ्स। इतने हैवी हैवी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, तो उस जगह पे यू कांट, है ना, एस्केप। तो ये राइट चीज थी। बाकी जीएस के लिए और जो एरियाज बच गए, एज सच तो कोई बड़े एरियाज बचे नहीं है। बाकी हाँ, आपके एनवायरनमेंट के लिए देर इज अ, जैसे एक बुक है शंकर आईएएस का, मैंने पढ़ा था एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यदि आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या फिर फौज में ऑफिसर बनने की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं भारत की बेस्ट फैकल्टी के साथ हमारे लाइव बैचेस के अंदर। लाइव बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल, और वहां पे डिफेंस सेक्शन की कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप हमारे डायरेक्टली सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ जैसे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए, कोड लगा लीजिएगा Y588, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपसे मिलेंगे हम लोग लाइव बैचेस में। थैंक यू। That is बिकॉज not required for the CDS FCAT, because I think वो exactly सिविल सर्विसेज सेंट्रिक ज्यादा हो जाती है। फॉर एनवायरमेंट सेक्शन, क्योंकि अपना जो पलव है ये सिविल सर्विसेज की भी तैयारी आगे आगे करना शुरू कर गए थे, इसीलिए ये सजेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एनवायरमेंट के लिए यू कैन रेफर दैट क्लास 12th की बायोलॉजी के 4 चैप्टर होते हैं एनवायरमेंट एंड exactly इकोलॉजी के, वो लास्ट के 4 चैप्टर क्लास 12th की बायोलॉजी के, वो आप रेफर कर सकते हैं, सफिशियंट फॉर द एनवायरमेंट सेक्शन। यस yes, यस yes. वो तो सर जैसे कह रहे एकदम करेक्टली कहा है। मैंने थोड़ा एडवांस लेवल इसलिए चले गया था क्योंकि मेरे बाकी भी एग्जाम्स थे, बट यस, अगर आप सीडीएस पे ही ध्यान रख रहे हो तो प्रिडोमिनेटली बायोलॉजी को 4 चैप्टर्स कवर करो। मुझे अच्छे से याद है वो 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एक एस्पिरेंट कवर करता है, सो यू शुड नॉट लीव इट। एंड इसके अलावा स्टे इन टच विद करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स के जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। जैसे स्पोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के, फिर बुक्स पे, है ना, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज किसको क्या मिला, तो वैसे चीजों के लिए आप बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत वीडियोस हैं, उसको कवर करो। एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से भरोसा करके कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, दो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाह रहे हो तो कंसिस्टेंटली महीने महीने भर पढ़ो, उससे क्या होगा, आपका कनेक्टिंग बनेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से हो जाएगा इंग्लिश का, एंड साथ साथ आपके एसएसबी में भी बहुत काम आएगा। करेक्ट, सो दिस वॉज ठीक। इट फॉर जीएस वाला थिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट द मैथ्स? मैथ्स के लिए कैसा किया? मैथ्स वैसे आपके लिए एक केक वॉक होगा, क्योंकि एनडीए का मैथ्स आपने पढ़ लिया था, है ना? इंजीनियरिंग में भी मैथ्स पढ़े होंगे, काफी अच्छा डिटेल किया होगा मैथ्स को। तो फिर भी एक छोटे कम शब्दों में बता दीजिए मैथ्स का क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सो बेसिकली मैथ्स एक ऐसा चीज है जहां पे आपको प्रैक्टिस के बिना कोई फल इतना जल्दी आने नहीं वाला। तो इनिशियली लगता है कि हाँ हमें आता है, हमने फॉर्मूला देख लिया। काफी कैंडिडेट्स गलती करते हैं, इवन मेरा भी पहला अटेम्प्ट सीडीएस नहीं हुआ था इसके वजह से, कि फॉर्मूलाज तो देख लिए, चलो जाके देख कर आ जाएंगे। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट है, आप ये वाला मत करना काम, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज देखो, दो चीज हमेशा याद रखना, द सिलेबस विल टेल यू वॉट टू रीड एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल टेल यू हाउ टू रीड। तो ये जो चीज है इसको मैंने बहुत ध्यान से समझ लिया। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और पीवाईक्यूज। बाकी यस जो यस आप प्रोसेस हो, ये थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग अलग होगा, जैसे सर भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे और सारे कैंडिडेट जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उन सब लोग कोरिलेट कर पाएंगे। तो मैथ्स के लिए मैंने पीवाईक्यूज, सिलेबस पहले ध्यान से देखा, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में आजकल बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मतलब थोड़ा ऐसे है ना कि फॉर्मूलाज बेस्ड, मतलब एक सीधा फॉर्मूला लगाया आ जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन। सीडीएस के पेपर में रिसेंट जो अभी हुआ था सितंबर वाला, तो उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन से आंसर्स आ रहे थे, क्योंकि मैंने रिसेंटली वाला भी क्लियर किया। तो उस टाइम पे देखो वही मेथड है जो मैंने बचपन में सीखा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो वो काम आता है।
ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को तो प्रोसेस आता ही नहीं है क्या है, तो डोंट वरी अबाउट प्रोसेस, वरी अबाउट क्या करेक्ट भर रहे हो कि नहीं। कभी कभार आपके करेक्ट आंसर्स आने के बाद आप गलत बबलिंग कर लेते हो, तो एग्जामिनर तो प्रोसेस नहीं देख रहा, प्रोसेस तो कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो चीज पे ध्यान रखो। एंड इसके अलावा आई यूज टू रिफर CDS की पाथफाइंडर बुक, जो बहुत ही स्टैंडर्ड NDA के लिए भी रहती है, CDS की भी है। तो मैथ्स के लिए मैंने उससे इसलिए कवर किया कि एक जगह पे सारी चीजें हैं, तो आई वॉज नॉट वेंडरिंग कि कहाँ से क्या करूं मैं, तो क्योंकि NDA में कभी कभार होता है थोड़ा सा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो CDS, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो इस चीज को आप अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रख लो। इसके अलावा और एक लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपके जो भी है लाइक दूसरे एग्जाम्स, जैसे अगर आप देखोगे NDA के मैथ्स के भी अगर आप क्वेश्चंस उठाओगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस, कैलकुलस तो पूरा इलिमिनेट कर लो, मैंने NDA के क्वेश्चन से देखा कि CDS के क्वेश्चंस किस हद तक के बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सितंबर का एग्जाम लिख रहे हो, इस साल का आपने लिख दिया, आप लास्ट ईयर के सितंबर का पेपर देखो NDA और CDS का, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सिमिलैरिटीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स दोनों साइड में कॉमन है तो क्वेश्चन सिमिलर है। वहां से आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ इस सितंबर में ऐसा आया, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपकमिंग अप्रैल में एग्जाम है, तो आप अप्रैल से क्वेश्चन उठाओ, NDA CDS दोनों का देखो, सितंबर का तो देखना ही है बट अप्रैल का भी देखो, क्योंकि साइकिल अप्रैल में आ रहा है वापस, तो वहां से आपको कुछ की चीज पता चलेंगे। मतलब ये क्या है ना, बेसिकली थोड़ा एनालिटिकल तरीका हो गया। अगेन ये उन लोग के लिए बेटर रहेगा जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस करता है। अगर आप बहुत दिनों से कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, जैसे मैं काफी दिन से कर रहा था तो मैंने बहुत कम देखा था, बट हाँ बोलते ना यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो मैंने इस चीज पे भी थोड़ा काम कर लिया था कि पता चला कि वैसे चीज भी करने से फायदा होता था, तो मैंने वो भी कर लिया था। सो मैथ्स के लिए जनरल अप्रोच ये था मेरा सर। ठीक है कुछ चीजें पता चली हैं पल्लव के एक्सपीरियंस से, क्योंकि ही क्वालिफाइड हिज एफकैट सीरियस मल्टीपल टाइम्स एंड वेंट फॉर द SSB, दैट यू शुड प्रिपेयर बोथ द एग्जाम साइमल्टेनियसली। इसमें रीजनिंग अलग होगा तो वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बाकी बस दो चीजें इन्होंने बोली हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर सिलेबस। सिलेबस आपको बता देगा क्या सवाल आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देगा कितने लेवल के सवाल आते हैं। तो इन दोनों चीजों को आप रेफर करके चलिए, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। किसी का साइंस अच्छा होता है तो किसी की GK अच्छी होती है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है। तो वही जो पल्लव ने बताया कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर चेक कीजिए एंड थोड़ा और एफर्ट लगाइए। अगर नहीं एग्जाम क्लियर हो रहा है तो 6 घंटे पढ़ लो, है ना। यही क्वांटिटेटिव तरीका होता है कि आप थोड़ा अपने आप को देखते हो कि 4 घंटे पढ़ा तो 6 घंटे पढ़ लो, 6 से 8 घंटे पढ़ लो। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव द प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड धीरे धीरे आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। पल्लव ने बताया मेरा फर्स्ट टाइम CDS क्वालिफाई नहीं हुआ, ऑल्दो ही क्वालिफाइड इज NDA एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स 4 बार, लेकिन देखियो फर्स्ट टाइम CDS नहीं हुआ। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, फर्स्ट टाइम नहीं होता है तो सेकेंड टाइम कोशिश करो, साल में 2 बार आ रहा है, और पल्लव रिसेंटली क्वालिफाइड इज CDS ऑल्सो, राइट। तो बस इतनी सी बात है। पल्लव अपने बारे में लास्ट बार एक बार स्टूडेंट्स को ये भी बता दो कि ऑल इंडिया रैंक कौन कौन सी एंट्री से आया, कहाँ से रिकमेंड हुए, जस्ट इन 1 or 2 minutes, सो दैट स्टूडेंट कैन रिलेट इट कि हाँ चलो पल्लव इज अ जेन्युइन पर्सन जिसकी बातें हम लोग सुन सकते हैं। सो लाइक मैंने और प्रीवियसली 14 अटेम्प्ट्स दिए हैं SSB के, और 3 बार रेकमेंड हुआ मैं फॉर NC लाइक SSC नेवी एंट्रीज, एंड पहला रिकमेंडेशन वाज एट दिसंबर 2021 फ्रॉम विशाखापट्टनम बोर्ड, सेकंड वाज इन जून 2022 फॉर फ्रॉम अगेन विशाखापट्टनम फॉर लॉजिस्टिक्स ब्रांच फॉर इंडियन नेवी, एंड थर्ड रिसेंटली फ्रॉम कोलकाता बोर्ड फॉर लॉजिस्टिक्स ब्रांच फॉर इंडियन नेवी। सो मैंने डायरेक्ट एंट्रीज भी दी है, रिटर्न भी दी है, तो दैट इज द रीजन लाइक मुझे लाइक है ना इस चीज पे थोड़ा एक्सपीरियंस है। एंड इसके अलावा सर एक और मेरे को पॉइंट हाईलाइट करना था विच आई थिंक आई हैव मिस्ड, काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी एग्जाम लिखते हैं। आई एम पर्सनली अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं खुद भी एक जगह जॉब करता हूँ, साथ साथ कंपनीज भी है, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, टाइम इज अ बैरियर, टाइम बैरियर आपके लिए भी है, टाइम बैरियर सबके लिए भी है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखना है, अगर आप सुबह के टाइम खाली हो तो सुबह अच्छे से पढ़ाई करो, लाइक मॉक टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल सकते हैं आपको कोई भी प्लेटफॉर्म से, तो वहां से कवर करने का ट्राई करो। मॉक टेस्ट नहीं हो रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और ऑफिस टाइम में भी अगर आप जा रहे हो जैसे लंच टाइम है ब्रेक है तो कोई अच्छी यूट्यूब की करंट अफेयर्स की वीडियो कवर कर लो, है ना, तो वैसे आप तैयारी करो, क्योंकि देखो
बोलते हैं ना, चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड, सो दैट इज द गेम कम, दैट इज वेयर द रियल गेम कम्स फॉर ऑफिसर्स. तो आप ये मत बनाओ कि यार मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, तो ये मुझे भी नहीं मिलता था. बट सबको, किसी को नहीं मिलता. ऐसा नहीं है कि माई स्टोरी इज यूनिक. काफी सारे जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, दे हैव देयर ओन जर्नी. सो कभी भी ये बोलते हैं ना, अपने यू डोंट है ना, क्रिएट योर सेल्फ एज एन हर्डल. सो बस उसी चीज पे थोड़ा काम करना है. ठीक है, सो वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पल्लव ने भी किया है और आप भी कर सकते हैं, जस्ट टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। तो थैंक यू सो मच पल्लव, हमने इस चीज के ऊपर भी डिस्कस किया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर. जय हिंद सर.